हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 का अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस पुस्तक में दी गई आवर्षणी की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क है आपका, संभावित अधातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती हों। दूसरा है आपका, किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको अधातुओं के नाम बताना है जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, और तीन धातुओं के नाम बताना है जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। तो देखें ध्यान से, पहला जो अधातु है जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, उसमें है आपका फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। ठीक है, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर ये अधातु हैं जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो कि क है आपका, संभावित अधातुओं के नाम बताइए जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकती हैं। तो असमानुपातन अभिक्रिया जो हैं वे फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर प्रदर्शित करती हैं, जो कि अधातु हैं। अब आते हैं धातु, तीन बताना है जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, तो हैं आपके कापर, गैलियम और इंडियम। कापर, गैलियम और इंडियम जो हैं असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कापर का असमानुपातन अभिक्रिया, कापर जो है, यह कापर 2Cu+ चेंज होता है Cu2+ में और Cu में। गैलियम जो है 3Ca+ चेंज होता है Ga3+ में और Ga में। इंडियम जो है 3Al+, यह चेंज होता है इंडियम 3+ में और 2Al में। यहाँ पर तीन जो धातु हैं उनकी आक्सीकरण अवस्था जो अगर देखा जाए, तो कापर, गैलियम और इंडियम, यह तीनों जो है आक्सीकरण अवस्था, ठीक है, कापर जो है वह +2, 0 और +1 प्रदर्शित करता है। गैलियम जो है +3, 0, +1 प्रदर्शित करता है। इंडियम जो है +3, 0 और +1 प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह तीन धातु हैं जो असमानुपातन अभिक्रिया दिखाते हैं, कापर, गैलियम और इंडियम। कापर जो है वह +2, 0 और +1 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। गैलियम +3, 0 और +1 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इंडियम जो है वह भी +3, 0 और +1 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अधातु तीन जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वे हैं फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। और धातु जो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वे हैं कापर, गैलियम और इंडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, देखें ध्यान से, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि के प्रथम पद में, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि के प्रथम पद में अमोनिया गैस के ऑक्सीजन गैस द्वारा ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प बनता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल विधि के प्रथम पद में अमोनिया गैस के ऑक्सीजन गैस द्वारा ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प बनता है। प्रश्न पूछ रहा है कि 10 ग्राम अमोनिया 20 ग्राम ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, 10 ग्राम अमोनिया तथा 20 ग्राम ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी अधिकतम मात्रा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, यह आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखें ध्यान से, नाइट्रिक अम्ल बनाया जा रहा है अमोनिया और ऑक्सीजन से। समीकरण आप देखें, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन बनेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस बनेगा 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। अब अमोनिया का आणविक भार जो होता है वह 17 होता है। ठीक है, 4NH3 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से यह हो गया आपका 68 ग्राम। ऑक्सीजन का आणविक भार 32 होता है तो 5 है तो 32 × 5 160 हो गए, 160 ग्राम ले लेंगे इसको। NO का 30 होगा, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 ग्राम हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 68 ग्राम अमोनिया जो है 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, जिसमें 160 ग्राम ऑक्सीजन जो है 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है।
तो समीकरण के अनुसार 68 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? तो 68 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए 160 ग्राम। ठीक है, 68 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो प्रश्न में कितना दिया है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए कितना चाहिए? तो 10 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर, तो 160 बटे 68 गुणे 10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.53 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 10 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 23.53 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ये आपका पहला आंसर हो गया। प्रक्रम में केवल 20 ग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रक्रम में केवल 20 ग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है, अतः ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए 23.53 ग्राम और प्रक्रम में केवल 20 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। 160 ग्राम आगे देखें, 160 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड। 160 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होता है 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड, इसलिए 20 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगा कितना नाइट्रिक ऑक्साइड? ठीक है, इसलिए 20 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगा नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर 120 बटे 160 गुणे 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड कितना प्राप्त होगा? तो आपका 15 ग्राम प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 ग्राम अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन चाहिए 23.53 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और प्रक्रम में केवल 20 ग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया है, अतः ऑक्सीजन यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक बनेगा। 160 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड, इसलिए 20 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगा 15 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आवर्तणिक सारणी 8.1, ठीक है, सारणी 8.1 में दिए गए मानक विभवों की सहायता से अनुमान लगाएं कि क्या इन अभिकारकों के बीच अभिक्रिया संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभिकारक दिए गए हैं, आपको बताना है कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है। इसके लिए आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की मदद से बताना है, जो कि सारणी 8.1 में दिए गए हैं। पहला है को है Fe3+ तथा I-, इनके बीच में अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है, यह आपको बताना है मानक इलेक्ट्रोड विभव के मदद से। तो आइए एक एक देखते हैं। पहला क, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने सारणी से मान यहाँ नोट किया है। तो पहला क है आपका Fe3+ तथा I- के बीच में अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं जो है ऑक्सीकरण अर्धक्रिया को आयोडाइड का, तो आयोडाइड जो है आयोडीन में चेंज होगा, I- I2 में चेंज होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2- है, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका यह समीकरण ऑक्सीकरण अर्धक्रिया हुआ। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव सारणी में -0.54 दिया हुआ है, 54 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो है Fe3+ चेंज हो रहा है Fe2+ में। ठीक है, तो Fe3+ Fe2+ में चेंज होगा, तो यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पर भी 2+ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इधर भी 2+ हो जाएंगे, इधर भी 2+ हो जाएंगे। यह आपका अपचयन अर्धक्रिया है। ठीक है, अपचयन अर्धक्रिया है। ठीक, अब इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसके लिए प्रश्न में दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम समीकरण एक साथ जब लिखेंगे तो 2i- इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2Fe3+, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको बचेगा I2+2Fe2+। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है ई स्टैंडर्ड बराबर, तो यह है आपका -0.54 और यह है आपका +0.77। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा +0.23 वोल्ट।
तो ई स्टैंडर्ड का मान जो आ रहा है वह आपका आ रहा है प्लस में, प्लस 0.23 वोल्ट आ रहा है। तो अब क्रिया क्या है? संभव है। अब क्रिया जो है संभव है, क्योंकि ई स्टैंडर्ड का मान जो आ रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो आ रहा है, यह प्लस में आ रहा है, इसलिए अब क्रिया संभव है। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है वह है सिल्वर प्लस, Ag प्लस और Cu सॉलिड, इनके बीच में अब क्रिया संभव है कि नहीं है, यह आपको बताना है। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन खोता है और सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। कॉपर सॉलिड जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और सिल्वर आयन ग्रहण करेगा, अतः ऑक्सीकरण अर्धव क्रिया जो होगी इसका कॉपर का, वो आप देख सकते हैं, कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निकाला है 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन में चेंज हुआ है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव सारणी में -0.34 वोल्ट है। सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया सिल्वर में, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है 0.80 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब पूर्ण अभिक्रिया देखा जाएगा, पूर्ण अभिक्रिया में तो कॉपर सॉलिड 2Ag+ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर हो जाएगा Cu2+ और 2Ag सॉलिड। इसके लिए ई स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे, तो वैल्यू दिया हुआ है, ई का मान दिया है -0.34 वोल्ट और इसका मान दिया है 0.80 वोल्ट। तो इनको ऐड करेंगे तो आपका ई सेल का मान आ जाएगा प्लस में 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो ई सेल का मान आ गया प्लस में 0.46 वोल्ट, तो ई सेल का मान धनात्मक आ रहा है, अतः यह भी अभिक्रिया संभव है, ठीक है। तो जब ई सेल का मान धनात्मक आ गया तो अभिक्रिया क्या है? संभव है। अब जो है तीसरा आपका है गौ, यह है आपका Fe3+ एक्वस और Br-एक्वस, इसके बीच में देखते हैं अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। तो पहले हम समीकरण इनका देखते हैं, ऑक्सीकरण अर्धक्रिया, ठीक है। जो आपका ब्रोमीन है यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ब्रोमाइन में बदलेगा, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट है। जो आपका आयरन है Fe3+ यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Fe2+ में बदलेगा, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.77 वोल्ट है। अब इसके लिए ई स्टैंडर्ड निकालें, तो ई रिडक्शन माइनस, ठीक है, ई रिडक्शन दोनों में हो रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन, तो मान रखें इसका, तो यह आपका है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान रखें, तो यह हो गया आपका प्लस 0.77 और माइनस इसका मान आपका 0.34, ठीक है, ये आप मान रख दिए। अब जो है सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.43 वोल्ट। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, ई स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे, तो यह भी आपका प्लस 0.77 माइनस 0.34 वोल्ट, तो यह आपका आएगा 0.43 वोल्ट। तो यह भी आप देख रहे हैं ई सेल का मान जो है धनात्मक आ रहा है, अतः यह भी अभिक्रिया संभव है। अगला जो है आपका क्वेश्चन वह है आपका क ख ग हो गया। अब घ में आप देख रहे हैं सिल्वर सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर सॉलिड और Fe3+ एक्वस, इनके बीच में अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो इसको देखें ध्यान से। सिल्वर सॉलिड तथा Fe3+ एक्वस, इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया सिल्वर का होगा, Ag बदलेगा Ag+ में इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इसका मानक इलेक्ट्रोड भी हो -0.80 वोल्ट है, और Fe3+ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में बदलेगा, Fe2+ में इसका मानक इलेक्ट्रोड भी हो 0.77 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों का ई सेल निकालेंगे आप तो आएगा -0.03 वोल्ट, तो ई सेल आएगा -0.03 वोल्ट। तो यहाँ पर ई सेल का मान ऋणात्मक आ रहा है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ई सेल का ऋणात्मक मान है, अतः अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला जो है आपका वो है आपका Br2 और Fe2+ के बीच में, तो Fe2+ जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe3+ में कन्वर्ट होगा, और Br2 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Br- में बदलेगा, ठीक है, Br- में बदलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ई सेल का जो मान है वह प्लस 0.31 वोल्ट है। अब यहाँ पर अभिक्रिया जो आप लिखेंगे 2Fe2+ प्लस Br2, 2Fe3+ प्लस 2Br-, यहाँ पे जब गणना करेंगे ई स्टैंडर्ड सेल का मान, तो वह धनात्मक आएगा और अभिक्रिया संभव हो जाएगी, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 है,
देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। पहला है सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन होगा तो इससे विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा। तो जब सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर सिल्वर प्राप्त होगा और एनोड पर घुलकर सिल्वर आयन देगा। ठीक है, कैथोड पर सिल्वर प्राप्त होता है और एनोड जो है वह घुलकर सिल्वर आयन देता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन होगा तो उस समय विद्युत अपघटन कराएंगे तो उत्पाद क्या होगा, तो कैथोड पर आपका सिल्वर बनेगा और एनोड पर ऑक्सीजन बनेगा। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड पर सिल्वर बनेगा और एनोड पर ऑक्सीजन बनेगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन, तो इस कंडीशन में कैथोड पर हाइड्रोजन होगा डाइहाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन होगा। तो जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा तो एनोड पर ऑक्सीजन होंगे और कैथोड पे हाइड्रोजन होंगे। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तो कैथोड पर कॉपर होगा और यदि विलयन सांद्र है तो एनोड पर क्लोरीन अन्यथा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के कंडीशन में एनोड पर ऑक्सीजन होता है और कैथोड पर सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर होगा, H2SO4 है तो डाइहाइड्रोजन होगा और किप्रिक क्लोराइड है तो यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है अथवा ऑक्सीजन भी हो सकता है। लेकिन जब सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड तत्व के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन होगा तो उस समय विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर सिल्वर प्राप्त होगा और एनोड घुलकर सिल्वर आयन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप क में जो होगा वह होगा कैथोड पर सिल्वर आयन प्राप्त होता है, एनोड घुलकर सिल्वर आयन देगा। ख में कैथोड पर सिल्वर, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ग में कैथोड पर डाइहाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और घ में कैथोड पर कॉपर और यदि विलयन सांद्र है तो एनोड पर क्लोरीन अन्यथा ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन की क्षमता का क्रम लिखिए। ठीक है, यह धातु दिए गए हैं, इनमें इनके लवण के विलयन में से विस्थापन का क्रम लिखना है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, विस्थापन का क्रम क्या होगा? तो आप देखें ध्यान से, इनका विस्थापन का जो क्रम होगा वह होगा मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन कॉपर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें यह ज्ञात होता है कि जो विस्थापन का क्रम होगा वह सबसे पहले होगा मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद जिंक का, आयरन का और लास्ट में सबसे होगा कॉपर का। यह हम मानक इलेक्ट्रोड व्यूह के आधार पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इसको हमने किया है। तो मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन और ग्रेटर देन कॉपर, यह क्रम होगा विस्थापन का। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड व्यूह के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोड व्यूह दिया है पोटेशियम आयन अब्लिक पोटेशियम का -2.93 वोल्ट, सिल्वर आयन अब्लिक सिल्वर का 0.08 वोल्ट, मरकरी आयन अपने मरकरी का 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम आयन आप मैग्नीशियम का -0.37 वोल्ट, क्रोमियम आयन आप क्रोमियम का -0.74 वोल्ट। ठीक है, इस आधार पर आपको मानक इलेक्ट्रोड व्यूह के आधार पर धातुओं के अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है। तो अपचायक क्षमता का क्रम जो होगा वह सबसे अधिक अपचायक क्षमता पोटेशियम का होगा। ठीक है, सबसे अधिक किसका होगा? पोटेशियम का होगा, क्योंकि सबसे अधिक माइनस इसी का है, -2.93 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आयरन का होगा। ठीक है, आयरन का देखे जाना, आयरन नहीं है, HG का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका MG का होगा। देखें यहाँ पर सबसे अधिक किसकी क्षमता होगी? पोटेशियम अब्लिक पोटेशियम का, क्योंकि सबसे अधिक निगेटिव मान इसका है -2.93। उसके बाद इसके बाद इसका होगा मैग्नीशियम आयन अब्लिक मैग्नीशियम का, यह हो जाएगा -2.37 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद जो है क्रोमियम का नंबर आएगा -7.4 वोल्ट। ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम के बाद जो है सबसे पहले सबसे अधिक किसका है मानक इलेक्ट्रोड भी हो निगेटिव में? पोटेशियम है। उसके बाद किसका है? मैग्नीशियम का है। उसके बाद है आपका क्रोमियम का। ठीक है, और फिर मरकरी, फिर सिल्वर। ठीक है, मरकरी फिर सिल्वर हो। ठीक है, तो यह क्रम अगर देखा जाए
तो इसका क्रम अगर आप लिखें अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, तो यह आपका क्रम होगा। देखें ध्यान से, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर लेस देन मरकरी, लेस देन क्रोमियम, लेस देन मैग्नीशियम और लेस देन पोटेशियम, यह बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम सिल्वर का, फिर मरकरी का, फिर क्रोमियम का, फिर मैग्नीशियम का और लास्ट में पोटेशियम का होगा। यह आपका एक क्रम है जो कि बढ़ता हुआ क्रम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, उस गैल्वेनिक सेल का चित्रित कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जिंक सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन एक्वस, जिंक आयन प्लस 2 एजी सॉलिड। बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 यह आपका दिया हुआ है समीकरण, उसके अनुसार हमने सेल समीकरण लिखा है, जिंक सॉलिड अब्लिक जिंक आयन, ठीक है, सिल्वर सॉलिड, सिल्वर एक्वस, सिल्वर आयन एक्वस प्लस सिल्वर सॉलिड। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे जिंक आब्लिक जिंक आयन जो है इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है, जिंक आब्लिक जिंक आयन इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है। ख, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के वाहक जो हैं वे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका प्रवाह जो है जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन हैं और जिनका प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, ठीक है। और तीसरा जो है एनोड पर और कैथोड पर क्या होगा, तो एनोड पर जिंक जो है वह जिंक आयन में चेंज होगा, ऑक्सीकरण होगा जिंक का, और कैथोड पर सिल्वर का अपचयन होगा सिल्वर में, ठीक है, कैथोड पर सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन होगा कैथोड पर, जबकि एनोड पर जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो यह ग का आंसर है कि कैथोड पर सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन होगा, एनोड पर जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होगा। ख का आंसर कि बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन हैं और जिनका प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, ठीक है। जिंक आब्लिक जिंक आयन इलेक्ट्रोड जो है ऋण आवेशित होता है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।